नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भू माफियाओं पर इतनी सख्त कार्रवाई करने के आदेश के बाद भी प्रशासन द्वारा भू माफियाओं पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? ऐसा साफ साबित होता है कि भू माफिया के ऊपर कोई कार्रवाई न कर पाना प्रशासन का बिल्कुल भू माफियाओं के साथ संलिप्तता का कारण नजर आता है। यूपी सरकार ने यूपी के बड़े बड़े भू माफियाओं पर अपना चाबुक चलाया है। हम आपको और कहीं नहीं बल्कि कानपुर महानगर के बर्रा थाना क्षेत्र की जरौली फेज 2 नाले के पास बिहारी पुरवा की जमीन पर भू माफियाओं ने खेल खेला है, जहां पर पूर्व में कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए ने समाचार द्वारा प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेकर भू माफियाओं से लगभग कब्जा की हुई सारी जमीन पर बुलडोजर चलवाकर कब्जा मुक्त कराया था। लेकिन इन भू माफियाओं को शासन और प्रशासन का कोई भी डर नहीं है। फिर से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर भू माफियाओं ने जमीन बेचकर प्लाटिंग कर प्लाट बनवाना चालू करवा दिया है, जिसमें कि अभी तक संबंधित थाने की पुलिस भी कार्रवाई करने में पीछे हटती नजर आ रही है। ऐसा साफ जाहिर होता है कि संबंधित थाने की पुलिस के कान में जो सिर्फ इसलिए नहीं रेंगती कि सारा कब्जा पुलिस के संरक्षण व सेटिंग और गेटिंग के चलते होता है। अब देखना यह है कि कानपुर विकास प्राधिकरण के साथ साथ बर्रा पुलिस का कब इन दबंग भू माफियाओं पर चाबुक चलता है, या यूं ही भू माफिया पर बर्रा पुलिस का आशीर्वाद व संरक्षण प्राप्त होता रहेगा।